डूमरपारा सड़क में जेजीपुर से बारद्वार की ओर आ रही वैन ने बाइक सवार तीन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना जांजगीर चांपा जिले की है, जहां घटनास्थल पर ही दो युवकों की मौत हो गई और तीसरे घायल युवक को इलाज कराने के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दौरान युवक रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया गया है कि ग्राम पंचायत गोरखापाली निवासी युवक अपने परिजन पलाड़ी कला निवासी जनक राम पटेल के घर आया हुआ था और रात्रि भोजन के पश्चात गोविंद राम और राम पटेल दोनों बाइक से तिलेश्वर को गोरखापाली छोड़ने जा रहे थे, तभी सामने से आ रही मारुति वैन से भिड़त हो गई। मौके पर पहुंची 112 पुलिस घायल को अस्पताल ले गई, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद पुलिस पंचनामा पीएम पश्चात तीनों युवक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं तहसीलदार बी एका द्वारा शासन से मिलने वाली तत्काल सहायता के रूप में तीनों परिजनों को 25,000 का मुआवजा दिया गया। मैं गायब करा तलाश देखे तो खत्म हो गए रही से तय को नहीं कही भाजा दमा दे कहे था। उसके बाद पुलिस चलो चलो करके गाड़ी में जोड़ने के लिए बोला। और कहाँ ले यहाँ हॉस्पिटल। जो पलाड़ी खुर्द के तीनों मृतक परिवार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, साथ में हम लोग भी आए हुए हैं, पूरे गांववासी आए हुए हैं। और जो मृतक को सरकार के द्वारा 25,000 अंतरिम राहत जो दी जाती है, उसके लिए हमने यहाँ पे मांग किया है जो आ चुकी है, और मृतक परिवारों को अभी वो 25,000 रुपये राशि दिलवाई जा रही है। और कुछ मांग है? वाहन मालिक को बुलवाए हैं, वाहन मालिक के आने के बाद जो वाहन मालिक जो और क्षतिपूर्ति दे, उसके लिए हमने मांग रखा है। इनकी मांग थी कि पंचनामा और पीएम कराने के लिए तो करा दे रहे हैं, और इनके द्वारा जो आर्थिक सहायता राशि जो इस तरह के आकस्मिक दुर्घटना में जो मांग रखा है 25,000 की, वो सहायता राशि हमारे द्वारा दिलवाई जाएगी।